हेलो फ्रेंड्स, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेला जाना है। यह वही टेस्ट मैच है जो पिछले साल कोरोना कारण स्थगित हो गया था। जब सीरीज रुकी थी तो भारत 2-1 से आगे था। अगर यह मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो 2007 के बाद पहली बार टीम इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज जीतेगी, यानी टीम के पास 15 साल बाद इतिहास रचने का मौका होगा। हालांकि इंग्लैंड के पास 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत का सपना तोड़ सकते हैं। ये कौन से वो खिलाड़ी हैं, हम आपको बताएंगे। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी जी। अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन स्पोर्ट्स पर। अहमद भाई, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि 39 साल के इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जिमी एंडरसन क्या टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी शानदार है। कैसे देखते हैं आप जिमी को? देखें आकाश, पहले भी जो है हम इस बारे में बात कर चुके हैं और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि देखें जिमी एंड पूरी दुनिया की जितनी भी इस वक्त टेस्ट टीम्स हैं उनमें अगर आप सबसे ज़्यादा स्किलफुल, सबसे ज़्यादा तगड़ा, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अगर आप फास्ट बॉलर देखते हैं पूरी दुनिया में, तो इस वक्त वो जिमी एंडरसन है। कोई 750 उनकी टेस्ट विकेट्स हैं और आई थिंक उनके स्टैट्स बताते हैं कि वो कितने तगड़े, कितने एक्सपीरियंस और कितने स्किलफुल हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया के अगेंस्ट वैसे उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी तगड़ा है, खासतौर पे विराट कोहली के अगेंस्ट, क्योंकि विराट कोहली को कुछ 7-8 दफ़ा या गालबन 10 दफ़ा उन्होंने आउट किया हुआ है। तो देखें इंडिया की जो टीम है ना, उस पर पूरी टीम पे मेरे ख्याल में जिमी एंडरसन का साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होगा। और जैसे आपने कहा कि उनकी इंडिया के अगेंस्ट बड़ी टॉप परफॉर्मेंसेज रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस सी बात है कि उस पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो होगा इंडियन क्रिकेट टीम पर जिमी एंडरसन का। अहमद भाई, इस साल के टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का बल्ला खूब चल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और भारत के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में आप कैसे देखते हैं जॉनी को? जी देखें आकाश, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जॉनी बेयरस्टो जो है उनका बल्ला बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है और जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंट पास में वो काफी शानदार रही हैं और इंडिया को वो काफी ज्यादा टफ टाइम दे सकते हैं इस टेस्ट मैच में। और क्योंकि एक तो वो फॉर्म में भी हैं, उनकी जो शॉट्स हैं वो टेक्निकली बड़ी साउंड शॉट खेल रहे हैं, गैप निकाल रहे हैं, कोई वो जल्दबाजी में बैटिंग करते हुए नज़र नहीं आते। देखें टेस्ट क्रिकेट जो है ना बेसिक आपकी वो नाम ही ठहराव का है, आपका जो टैलेंट, टेम्परामेंट, टेक्निक, जैसे ये जो 3 मेन चीज़ें हैं ये आपकी जो है वो टेस्ट होती हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो आई थिंक कि उन्होंने अपने आप को बड़ा काम रखा, आप जितनी भी अभी उनकी रिसेंट पास की इनिंग्स हैं अगर आप देखें, बड़ा उन्होंने टेक्निकली साउंड, उन्होंने गैप निकाल के शॉट्स खेले, कोई जल्दबाजी में नज़र नहीं आए, कोई गलत शॉट मार के आउट नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि और जो लास्ट टेस्ट है वो उन्होंने आप देखें कि वो जीता ही इंग्लैंड उनके सर पे है, जो कि जिसको उन्होंने T20 बना के खेला। तो आई थिंक कि बिल्कुल जो है वो जॉनी बेयरस्टो का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंट पास में वो बहुत ज़बरदस्त है। अहमद भाई, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे बेन स्टोक को लेकर के कि क्या आपको लगता है कि बेन स्टोक कप्तान बनते ही उनके तेवर बदल गए हैं और साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के भी तेवर बदल गए होंगे कप्तान बनते ही? भारत के साथ होने वाले मैच में आप बेन स्टोक कैसे देखते हैं? जी देखें आकाश, ये बात तो मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी अपने कही थी कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है वो एक नए तरह से रिवाइव हुई है, जो उनको एशिस में डिफीट हुई थी उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी जो पूरी मैनेजमेंट है उसमें उनके कोच, बोर्ड के चेयरमैन, सब लोगों को उन्होंने सैक किया और उसके बाद कैप्टन जो थे जो रूट थे उनको उन्होंने तब्दील किया, बेन स्टोक्स को लेके आए। और लास्ट टाइम भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखें जो बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आई है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए। आप देखें तो एक नए तरह से ये लग ही नहीं रहा वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है जो अभी एशेज खेल रही थी या कुछ टाइम पहले जिसको इतनी बुरी तरह से मार पड़ रही थी हर जगह पर। तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को बेन स्टोक्स की जो है कैप्टेंसी ने बिल्कुल एक नए सिरे से एक नया रिवाइवल दिया है, नए सिरे से ला के खड़ा किया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जो उनके नए हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकेलम, उनको,
क्योंकि उनकी कोचिंग का भी जो है वो असर हमें नजर आ रहा है कि इतनी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड की क्रिकेट टीम दे रही है। आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन बना है, क्योंकि एक तो ब्रेंडन मकालम जो है वो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, वो ज़्यादातर इन प्लेयर्स के साथ इंग्लैंड के प्लेयर्स या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है दोनों टीम्स के प्लेयर्स का, और वो आई थिंक जो उनका एक नॉलेज है उसको वो यहाँ पे जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेन स्टोक्स की अगर बात करें तो शानदार कप्तानी उनकी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह इनकी कैप्टेंसी भी ग्रो करेगी और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी ग्रो करेगी। अहमद भाई, पूर्व कप्तान जो रूट को लेकर हैं, एक सवाल मेरा ये भी आपसे कि रूट टेस्ट क्रिकेट में इस समय नंबर एक बल्लेबाज हैं, साथ में इन दिनों रूट का बल्ला जमकर बोल रहा है, भारत के खिलाफ कैसे देखते हैं आप जो रूट को? जी देखिए आकाश, इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है ना, उसमें एक तो जॉनी बेस्टो, दूसरा जो रूट, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको भी रिसेंटली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो रूट जो है उन पे, क्योंकि वो कैप्टेंसी से भी उतरे और एशेज में बुरी तरह मार पड़ी थी, तो उन पे उसका भी प्रेशर था, तो आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है अपने सारी चीज़ों को धोने का, जो पिछली उनसे जो चीज़ें जो है ना उनसे मिसमैनेजमेंट हुई या जिन चीज़ों को वो बेहतर नहीं कर सके एज ए कैप्टन, आई थिंक वो बैटिंग में आके विदाउट कैप्टेंसी के प्रेशर के वो अपनी गेम पे फोकस किए हुए हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये कि जो रूट की परफॉर्मेंस है, और जॉनी बेस्टो हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेमी एंडरसन, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप उनकी काउंटी में परफॉर्मेंसेस देखें, काउंटी की जो आई थिंक लेस्टरशायर के अगेंस्ट वो खेलें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो उन्होंने जो है वहाँ पे अब आप देखें कि एक ही दिन में उनके 7 प्लेयर्स आउट हो गए, आई थिंक 120 125 पे समथिंग पे, तो इंडिया की टीम को जो है ना ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कंडीशंस ठीक है, मुख्तलिफ हैं, ये जो भी हैं, अगर आप उनकी एक काउंटी टीम के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इतनी अगर जो है वो बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप कैसे उसकी जो नंबर वन टीम है जिसने अभी न्यूजीलैंड को इतना वक्ता डाला हुआ है, आप उनके साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं? तो इंडिया जो है इस वक्त मुझे थोड़ी डगमगाती भी नजर आ रही है, और ये दो जो प्लेयर, ये जो 3-4 प्लेयर्स मैंने आपको गिनाए हैं, ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अहमद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे है कि भारतीय टीम ने क्या कुछ रणनीति बनाई होगी इन खिलाड़ियों के खिलाफ, क्या कुछ प्लानिंग के साथ टीम इंडिया उतरेगी मैदान पर, कैसे देखते हैं आप भारतीय टीम को इस होने वाले टेस्ट मैच में? देखें आकाश, जहां तक बात है ना इंडियन क्रिकेट टीम की, तो अभी मैंने जैसे कहा कि उनकी मुझे कुछ जो स्ट्रेटजी है वो कुछ समझ ही नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि आप देखें कि एक काउंटी क्रिकेट टीम के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस नहायत बुरी है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये टीम आपकी जो है वो कैसे इंडिया इंग्लैंड की जो टॉप टीम है, जो इनकी इंटरनेशनल टीम है, उसके साथ कैसे कम्पीट करेगी, जो कि ऑलरेडी न्यूजीलैंड को जो है 2 मैचेस लगातार हरा चुकी है, तीसरे मैच में उसकी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है। इंडिया की टीम की जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी कि वो किस स्ट्रेटजी के साथ इस जो है वो टेस्ट मैच में उतरना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, और आई थिंक इस वक्त क्योंकि जो खासतौर पे जो भी काउंटी में लेस्टरशायर के अगेंस्ट जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद भारतीय टीम जो है आपकी वो और ज़्यादा अंडर प्रेशर आएगी, आपकी जो खासतौर पे जो बैट्समैन है, क्योंकि आपके 7 बैट्समैन आउट हुए पहले ही दिन में कोई 120-125 रन पे, तो कहने का मकसद ये कि बैट्समैन आपके जो है ना वो अब और ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाएंगे। यहाँ पे सारी गेम आती है आपकी माइंड की, कि आपने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है, आपने बुरे शॉट्स नहीं खेलने, आराम से सुकून से टेस्ट मैच को स्मूथली लेके चलना है, कोई गलत शॉट की तरफ नहीं जाना। हमारा मसला ये है ना कि हम जो एशियन कंट्रीज में मैंने देखा है कि जो बैट्समैन है हमारे एशियन, वो हर बॉल को छेड़ने की कोशिश करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको हर बॉल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादातर बॉलें वेल लेफ्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि 5 दिन का गेम होता है, आपको जो अच्छी बॉल मिलती है, जब आप गैप निकाल के शॉट खेलने की कोशिश करते हो, आप रन्स लेने की कोशिश करते हो, हमारे पाकिस्तान, इंडिया या और भी जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, हम लोगों का मसला ये है, हम लोग हर बॉल को जो है ना वो छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एक तगड़ी प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए। इंग्लैंड की टीम कोई मामूली टीम नहीं है, आई थिंक वो इनको टफ टाइम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस हम भी भारतीय टीम से यही उम्मीद करते हैं कि होने वाले टेस्ट मैच में
टीम अच्छा खेले और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीते। धन्यवाद।